नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ द मेंटर फेस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम लोग बात करने वाले इंडियन स्टैंडर्ड 18149 2023 के ऊपर, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेंजरस गुड गाइडलाइन के ऊपर। इसके पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने इसी स्टैंडर्ड में से कुछ टॉपिक जो है वो कवर किए थे, और इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और दो टॉपिक जो है उसको मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर आज का जो वीडियो है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि तीन टॉपिक जो है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, स्कोप, रेफरेंस और टॉपिक नंबर 3 जो है टर्म्स एंड डेफिनेशन। ये तीनों टॉपिक जो है वो मेरा जो प्रीवियस वीडियो था उसको मैंने ये तीन टॉपिक के ऊपर डिवाइड करके कवर कर लिया था, और आज के इस वीडियो में हम लोग और दो टॉपिक सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 जो है उसको हम लोग कवर करने वाले। सेक्शन 4 जो है जो कि स्टेट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है, और सेक्शन 5 जो है वो बेसिकली क्लासिफिकेशन, क्लासेस, डिवीजन एंड पैकिंग ग्रुप से रिलेटेड है। तो इन दोनों टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। टोटल जो है इसमें 22 सेक्शन बोल सकते हैं, जिसमें से 18 जो है वो सेक्शन है, और फिर 19 से लेकर 22 तक जो है वो अलग अलग एनेक्सर दिया हुआ है। अभी जैसे हम लोग बात करें सेक्शन 4 की, या फिर क्लोज नंबर 4 जो है उसकी बात करें, तो जो कि उसका टाइटल है स्टेट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेंजरस गुड्स इंक्लूडिंग, यहाँ पे मैंने तीन चीजें जो है उसको हाईलाइट किया है, कंसाइनर, कंसाइनी एंड कैरियर एजेंसी। बेसिकली जब भी कोई भी एक डेंजरस गुड्स होता है, या बेसिकली कोई भी एक मटेरियल जो होता है, जब वो कहीं पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये गाइडलाइन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। कोई भी मटेरियल अगर कहीं पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसमें तीन लोग इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है कि भेज कौन रहा है, ठीक है, फिर दूसरा होता है कि उसे भेजने के लिए कोई ना कोई एक एजेंसी होगी, और तीसरा जो होता है कि उसको कोई मटेरियल को जो भेजा है उसको कोई रिसीवर करने वाला होता है, रिसीव करने वाला होता है बेसिकली, तो वो रिसीवर होता है। तो इन्हीं तीन चीजों को अगर हम लोग टेक्निकली लैंग्वेज में अगर बात करें तो एक होता है कंसाइनर होता है, एक होता है कंसाइनी होता है, और एक होती है कैरियर एजेंसी। तो ये तीनों जो एजेंसी है, बेसिकली तीन लोग जो है वो लोग क्या करेंगे, तो दे शैल एंश्योर कंप्लायंस टू, फिर यहां से फिर मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि स्टेट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस एप्लीकेबल एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल इंक्लूडिंग एनेक्स ए, यानी एनेक्स ए में भी कुछ डिटेल दी है उसको भी आपको फॉलो करना है। स्टेट्यूटरी एंड रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी कंप्लाई करनी है। उसके अलावा आपका नेशनल, जो भी कंट्री में आप काम कर रहे हो वहां की नेशनल गाइडलाइन, एज वेल एज अगर आप कोई दूसरे कंट्री में कोई मटेरियल अगर भेज रहे हो या फिर वहां से अगर मंगवा रहे हो, तो उस कंट्री की जो भी गाइडलाइन है वो भी आपको फॉलो करनी है। तो ये गवर्नमेंट ने लिख के दिया है, तो हम लोग फिर बाय डिफॉल्ट इसे हमें फॉलो करना ही है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5 की बात करें तो उसका जो टाइटल है वो है क्लासिफिकेशन, क्लासेस, डिविजन एंड पैकिंग ग्रुप्स। तो 5.1 का जो क्लोज है उसमें किस तरह से लिखा हुआ है, सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग मिक्सचर्स एंड सॉल्यूशन, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, यानी सिर्फ सब्सटेंस ऐसा, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ केमिकल, अगर वो कोई मिक्सचर है तो मिक्सचर को भी हमें लेके चलना है, या फिर कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर एक लिक्विड के अंदर मान लो अगर दूसरा कोई सॉलिड मटेरियल है, फिर दूसरा कोई लिक्विड जो है वो हमने उसको डिजोल्व कर दिया है तो वो सॉल्यूशन बन जाता है, तो वैसी जो चीज होती है। एंड आर्टिकल्स सब्जेक्ट टू दिस स्टैंडर्ड शैल बी असाइन टू वन ऑफ द 9 क्लासेस, यानी ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, टोटल 9 क्लासेस जो है उसको बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में डालना है आपको, यानी 1 से 9 में जो क्लासिफिकेशन दिया वो 9 में से कोई ना कोई एक जगह पे तो वो फॉल करेगा ही, अकॉर्डिंग टू द हैजार्ड और द मोस्ट प्रीडोमिनेंट ऑफ द हैजार्ड्स दे प्रेजेंट, यानी जिस भी हिसाब से जिस कैटेगरी में शूट करता है वो बेस्ट कैटेगरी आपको सिलेक्ट करके उसके अंदर आपको कंसिडर करना है। सम ऑफ द क्लासेस, फिर यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जैसे कि 1, 2, 4, 5 और 6 आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू डिविजन, यानी कुछ ऐसी कैटेगरी है कि जिसका फर्दर क्लासिफिकेशन और बढ़ाया गया है। सो द क्लासेस एंड देयर डिविजन आर गिवन इन टेबल नंबर 1, तो इसके बाद जो आएगा वो टेबल नंबर 1 जो है हम लोग रिफर करेंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि जैसे मैं क्लासिफिकेशन जो है टेबल 1 में ले रहा हूँ, तो क्लास 1 जो है वो सबसे पहले एक्सप्लोजिव मटीरियल होता है, और इसी एक्सप्लोजिव मटीरियल को टोटल 6 डिवीजन जो है उसमें डिवाइड किया गया है। तो जैसे 1.1 की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है कि सब्सटेंस एंड आर्टिकल्स विच हैव अ मास एक्सप्लोजन हैजार्ड, यानी ऐसा कि जिसमें मास एक्सप्लोजन हो सके। फिर 1.2 की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि विच हैव अ प्रोजेक्शन हैजार्ड
बट नॉट अ मास एक्सप्लोजन हजार्ड। अब यहाँ पे 1.2 जो है वो थोड़ा सा बाइफर्केट होना शुरू हो गया। फिर अगर मैं 1.3 की बात करूं तो जिसमें फायर हैजार्ड है एंड आइदर अ माइनर ब्लास्ट हैजार्ड और अ माइनर प्रोजेक्शन हैजार्ड और बोथ बट नॉट अ मास एक्सप्लोजन हैजार्ड। यानी मास एक्सप्लोजन हैजार्ड तो नहीं हो सकता है लेकिन उसके अंदर फायर हैजार्ड हो सकता है। साथ में उसके साथ में लिखा हुआ एंड वर्ड जो है वो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो माइनर ब्लास्ट एक छोटा सा ब्लास्ट हो सकता है या फिर माइनर प्रोजेक्शन हैजार्ड यानी उसमें से कोई मटेरियल जो है वो शूट होकर निकल जाए, या फिर ये दोनों हो सकता है यानी माइनर ब्लास्ट भी हो सकता है या फिर माइनर प्रोजेक्शन हैजार्ड भी हो सकता है लेकिन मास एक्सप्लोजन जो है वो नहीं होगा, तो दैट कैटेगरी फॉल्स अंडर 1.3। इसी चीज को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो 1.4 की बात आती है। सो वो चीज में क्या आएगा कि प्रेजेंट नो सिग्निफिकेंट हैजार्ड यानी उसके अंदर कोई हैजार्ड नहीं है। 1.5 जो है वेरी इनसेंसिटिव सब्सटेंस विच हैव अ मास एक्सप्लोजिव हैजार्ड यानी ऐसा मटेरियल की जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहेगा यानी बहुत थोड़ा सा भी अगर उसको चांस मिला तो इमिडिएटली जो है वो मास एक्सप्लोजन हैजार्ड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। और फिर आता है कि एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव आर्टिकल्स विच डू नॉट हैव अ मास एक्सप्लोजन हैजार्ड। तो ये टोटल जो है वो 6 कैटेगरी इस तरह से सब डिविजन बना के रखा हुआ है। फिर आता है क्लास 2 की अगर मैं बात करूँ तो गैसेस आ गया, कॉम्प्रेस हो सकता है, लिक्विफाइड हो सकता है, डिजोल्व अंडर प्रेशर हो सकता है या फिर डीपली रेफ्रिजरेटेड भी हो सकता है यानी गैस जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चारों कैटेगरी जो दिया हुआ है। फिर अगर इसकी सब कैटेगरी की बात करूँ तो डिवीजन में टोटल 3 डिवीजन में इसको डिवाइड किया गया। 2.1 जो है वो फ्लेमेबल गैस है, 2.2 है नॉन फ्लेमेबल नॉन टॉक्सिक गैसेज है और 2.3 जो है वो टॉक्सिक गैस हो सकता है। तो ये हो गया क्लास 2 की बात है। फिर क्लास 3 जो है उसमें कोई क्लासिफिकेशन यानी सब डिवीजन नहीं दिया है, फ्लेमेबल लिक्विड है तो फ्लेमेबल लिक्विड है। अगर क्लास 4 की अगर मैं बात करूँ जिसका फ्लेमेबल सॉलिड हो सकता है, अभी फ्लेमेबल सॉलिड जो है वो उसका डेफिनेशन किस तरह से दिया है, सब्सटेंस लायबल टू स्पॉन्टेनियस कम्बस्टन यानी अपने आप जलने लगे, सब्सटेंस विच ऑन कॉन्टेक्ट विद वाटर यानी पानी के अगर कॉन्टेक्ट में अगर आता है तो फ्लेमेबल गैसेज उसमें से निकलना शुरू हो जाती है। और इसका जो है वो टोटल 3 सब डिविजन बनाया गया है। तो इस सब डिविजन की अगर मैं बात करूँ तो 4.1 जो है जिसमें फ्लेमेबल सॉलिड सेल्फ रिएक्टिव सब्सटेंस हो सकता है, सॉलिड डिसेंसिटाइज एक्सप्लोजिव हो सकता है या फिर पोलिमराइजिंग सब्सटेंस हो सकता है। 4.2 की अगर मैं बात करूँ तो सब्सटेंस लायबल टू स्पॉन्टेनियस कम्बस्टन हो सकता है। और 4.3 की अगर मैं बात करूँ तो सब्सटेंस विच इन कॉन्टेक्ट विद वाटर यानी जैसे ही पानी के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो उसका अंदर से फ्लेमेबल गैसेज जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली इसका 3 जो है वो सब डिविजन हो गया। फिर इसी चीज को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो क्लास 5 आता है। तो क्लास 5 में क्या चीज कवर की जाती है, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा हुआ है। और इसके भी 2 सब डिवीजन है, 5.1, 5.2, 5.1 है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस हो सकता है और 5.2 है तो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड रहेगा। तो ये बेसिकली हो गया क्लास 5। फिर अगर इसी चीज को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो क्लास 6 आता है जिसका टॉक्सिक एंड इन्फेक्शियस सब्सटेंस, इन्फेक्शन यानी जैसे इन्फेक्शन जो लगता है वैसे अगर सब्सटेंस हो सकते हैं। तो इसमें भी 2 कैटेगरी एकदम सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हैं कि 6.1 है तो टॉक्सिक रहेगा, अगर 6.2 है तो इन्फेक्शियस सब्सटेंस हो सकता है। फिर आता है क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9, इसकी कोई सब डिविजन नहीं है तो जो टाइटल में लिखा हुआ है वही आपको फिक्स मान लेना है कि क्लास 7 जो है वो हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल रहेगा, क्लास 8 जो है वो कोरोसिव सब्सटेंस होंगे और क्लास 9 जो है मिसेलियस डेंजरस सब्सटेंस एंड आर्टिकल्स इंक्लूडिंग एनवायरमेंटली हैजार्डस सब्सटेंस। तो बेसिकली ये 9 जो है वो टोटल हमारे क्लासिफिकेशन है क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक, जिसमें 1, 2 और 4, 5, 6 जो है उसका हम लोगों ने सब डिविजन देखा है और बाकी के जो है उसमें कोई सब डिविजन नहीं है, जो भी टाइटल में लिखा हुआ है दैट इज द फाइनल। सो बेसिकली आज का ये जो वीडियो था ये पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 या फिर क्लोज नंबर 4 और 5 जो है 18149 स्टैंडर्ड उसमें से लिया हुआ है, तो इसके ऊपर आज मैंने पूरा ब्रीफ दिया है। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आए। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग और आगे इसको डिटेल में समझने के लिए ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।